हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जो है, मेरे पास अभी 5-6 बैंगन के पौधे लगे हुए हैं और मैं ये डिफरेंट वैरायटी का बैंगन लेके आया हूँ। इसमें लंबे लंबे बैंगन लगेंगे, इस पर लगते हैं अगर ये पौधा टिकेगा हमारे घर पर, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, किसी भी प्लांट्स को तोड़ के भाग जाते हैं और पता नहीं चलता आते कब हैं। तो देखते हैं भाई, अगर ये टिक गया तो उम्मीद तो यही है कि भाई लंबे बैंगन आने चाहिए, बाकी देखते हैं कैसे आते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लगाता हूँ ज़रा इस गमले में। मौसम काफ़ी अच्छा है और कभी भी आप प्लांट्स को लगाते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आप इवनिंग टाइम में लगाइए, जिससे क्या होता है कि प्लांट्स को अपने आप को एडजस्ट करने में जो इवनिंग टाइम है वो हेल्प करता है। अगर आप सुबह सुबह लगाएंगे, तेज़ धूप निकलती है तो जो पत्ते होते हैं वो मुरझा जाते हैं। देखिए, पॉली बैग में आते हैं बैंगन के पौधे। एक तो इतने छोटे छोटे आए थे, वो हमने पहले वीडियो में आपको दिखाया है कि कितने छोटे पौधे थे, उसके अलावा फिर ये इतने बड़े पौधे आपको मिलेंगे। और अब मैं इसको लगाता हूँ इस गमले में और ये दो पौधे हैं, सोच रहा हूँ अलग करके लगाऊँ। नहीं, दो नहीं है, एक ही पौधा है, लग रहे थे दो हैं। चलिए लगा देते हैं इसको, ये मैंने इसमें लगा दिया। मिट्टी गीली है इतनी क्योंकि बरसात हुई है अभी अभी, तो मिट्टी गीली है। चलिए, इस पौधे को अब लगे हुए हमारे घर में लगभग 1 महीना 10 दिन हो चुके हैं और देखिए पौधा कितना बड़ा हो गया है, और बड़े के साथ साथ इस पे बैंगन भी आ गए हैं। देखिए, ये बैंगन आ गए इस पर, अभी 3 बैंगन इस पे लगे हुए हैं। देखिए, 2 आपको नज़र आ रहे होंगे आगे, एक पीछे। और जैसा कि नर्सरी से मुझे बताया था कि भाई इसमें लंबे बैंगन आएंगे, भाई लंबे बैंगन तो नहीं आए, हाँ लेकिन गोल वाले बैंगन जो और मेरे घर पे लगे हुए हैं वैसे इसमें आ गए हैं। और अभी ये काफ़ी बड़े होंगे, लेकिन इनको काफ़ी बड़े होने का चांस नहीं मिलने वाला, क्योंकि इससे पहले अगर बंदर का चांस लग गया तो वो इसको खा जाएंगे, तो आज ही इनको जो है आप तोड़ लेंगे। और मैं आपको एक दूसरी वैरायटी का बैंगन दिखाता हूँ। मैं ऐसी बैंगन लाने गया था और उसके अंदर जो है वाइट बैंगन निकल रहा है। भाई पौधे को आप देखकर बता नहीं सकते भाई इसमें कैसे बैगन आएंगे, उसमें देखिए कैसे बैगन आ रहे हैं। देखिए, इस गमले में ये 2 पौधे लगे हुए हैं, एक पीछे लगा है एक ये आगे लगा हुआ है, और जो पीछे लगा हुआ है इसमें देखिए वैसे ही बैगन आ रहे हैं जैसे उसमें लगे हुए थे, गोल, और ये काफ़ी छोटे हैं अभी। इसमें अभी 3 बैगन लगे हुए हैं, देखिए एक यहाँ लगा हुआ है और एक ये नीचे लगा हुआ है। और ये देखिए आप इस बैगन को देखिए, बिल्कुल सफ़ेद बैगन आ रहे हैं, और ये वाइट जैपनीज ब्रिंजल है, और ये बिल्कुल वाइट है इसलिए आप इसको एग प्लांट भी बोलते हैं हम लोग। बिल्कुल सफ़ेद, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में ये। तो दोस्तों, इस तरीके से आप गमले में बैंगन के पौधे को लगा के आराम से प्योर ऑर्गेनिक बैंगन, गमले से भी आप बैंगन को प्राप्त कर सकते हैं बड़े इजीली। तो मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, नए प्लांट्स के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और यदि आपने भी बैंगन के पौधे अपने गमलों में लगा रखे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने किस किस वैरायटी के जो बैंगन हैं वो आपने अपने गमले में लगा रखे हैं।